इस दुनिया में कोई ख़जाना सांप के बगैर, कोई फूल कांटे के बगैर और कोई खुशी गम के बगैर नहीं है। जिस्म की परवरिश रूह करती है, बगैर रूह के जिस्म जलील होता है कि उसे मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। जिस्म की वसाहत तो गज से ज़्यादा नहीं, लेकिन रूह की पहुँच आसमानों तक है। अगर मेरा इल्म मुझे इंसानों से मोहब्बत करना नहीं सिखाता, तो एक जहल मुझसे हज़ार दर्जे बेहतर है। जिस शख्स ने ज़िंदगी में हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं किया, उसने ख़ुद को ज़िंदगी ही में जहन्नुम में डाल दिया। अपनी आवाज़ की बजाय अपने दलील को बुलंद करो। फूल बादलों के गरजने से नहीं, बरसने से उगते हैं। गमों से खाली हो जाओ, उसके बारे में सोचो जिसने ख्याल की तख्लीक की। नेकी और बदी की तस्वीर से निकलकर अगले मुकाम तक जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। थोड़ी देर कब्रिस्तान में जाओ और खामोशी से बैठो और उन बोलने वालों की खामोशी को देखो। अगर तुम अजमत की बुलंदियों को छूना चाहते हो, तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफ़रत के बजाय मोहब्बत पैदा करो। जो डर तुम महसूस करते हो, वो पैगाम है, उन्हें गौर से सुनो। सफ़र में रवाना होते वक्त इन लोगों से मशवरा ना लेना जिन्होंने कभी घर नहीं छोड़ा है। दिखाई देने वाली दुनिया में कम से कम इतनी सख्ती से काम करें जितने आप नज़र आते हो। जैसे ही आप रास्ते से बाहर निकलना शुरू करते हैं, रास्ता जाहिर होता है। जान लो कि एक दिन आपका दर्द आपका इलाज हो जाएगा।